देखो सॉल्ट्स हम लोग ना इन रिएक्शन से बना सकते हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड जिसको हम एल्किली भी कहते हैं, एंड एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। और एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट से भी हमारे पास सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सॉल्ट कौन सा बनाना है। अगर मेरे पास एसिड जैसे HCl है और मेटल मेटल जो है वो सोडियम है, तो मुझे पता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और मेटल ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अगर मैं कहूँ कि एसिड मेरे पास नाइट्रिक एसिड है और मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एल्केली है, तो सॉल्ट जो है वो सोडियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है और मेटल कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा जिसका फॉर्मूला Ca3PO42 होता है, साथ में वाटर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। इसी तरह सॉल्ट बनाने के और भी रिएक्शंस हैं जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सॉल्ट किस तरह से बनता है? देखो हमने मेटल्स में पढ़ा है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ये जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है कलना सीमा के मंगेतर वाली, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, तो अब अगर मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट है सोडियम नाइट्रेट, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है, दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया और एक और सॉल्ट जैसे हम लोग ले रहे हैं कॉपर सल्फेट, ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स टुगेदर, लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट होना जरूरी है उनके लिए ना, व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, तो क्या होता है, एक सॉल्ट बना हुआ है कॉपर का और एक बना हुआ है सोडियम का, तो सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है ना, और जो कॉपर जो है वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है विच इज सोडियम इन दिस केस, इट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल और उसकी जगह पे लग जाता है, मतलब सोडियम कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ लग जाएगा, वो बन जाएगा सोडियम सल्फेट, क्योंकि सोडियम ग्रुप वन का उसका चार्ज +1 होता है, सल्फेट इज SO4 2-। और फिर जो कॉपर है उसको मजबूरन जो सोडियम के साथ एनाइन था नाइट्रेट उसके साथ लगना पड़ेगा, तो कॉपर टू नाइट्रेट वुड बी CuNO3(2)। तो हमने दो सॉल्ट डाले थे और डालने पे दो डिफरेंट सॉल्ट बन गया हमारे पास। तो सॉल्ट ऐसे भी बनाया जा सकते हैं कि व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट आर मिक्स टुगेदर, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal to produce two different salts। अब वो जो दो salts product में बन रहे हैं वो जरूरी नहीं है दोनों के दोनों soluble हो, उसमें से दोनों insoluble भी हो सकते हैं और उनमें से कोई एक insoluble भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट हमने याद की थी ना उस टेबल में कि ऑल सल्फेट सॉल्ट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड लेड टू सल्फेट। और मेरे पास दूसरा सॉल्ट जो है वो है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट भी जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है। अब सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर है कैल्शियम उसके नीचे, सोडियम जाके कैल्शियम को डिस्प्लेस करेगा तो ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, और दूसरा सॉल्ट क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। अब ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल, तो कैल्शियम नाइट्रेट भी एक्वस था सॉल्युबल था, सोडियम सल्फेट भी सॉल्युबल है, सोडियम नाइट्रेट जो बना है वो भी सॉल्युबल है, लेकिन जो कैल्शियम सल्फेट बना है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो क्या होगा जब आप इस सोडियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट को मिक्स करोगे ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बीकर में मेरे पास सोडियम सल्फेट था, एक बीकर में मेरे पास कैल्शियम नाइट्रेट था, जब उनको आपस में मिक्स करोगे तो
एक तो सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है सोडियम नाइट्रेट, तो वो तो कलरलेस ही होगा, पानी में डिजोल्व हुआ होगा, लेकिन कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है, तो वो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेंगे उसके, और अगर उसको अलग करना है तो उसको हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। टू सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स टूगेदर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो ऐसे भी सॉल्ट बना सकते हैं। सही है, समझ आई बात यहाँ तक? इस तरह एक और तरीका है सॉल्ट बनाने का, वो क्या है कि मैं किसी एसिड और मेटल को आपस में मिक्स करा दूं। क्या मतलब है इस बात का? जैसे HCl है, उसमें मैंने लेट से मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट को मिक्स करवाया। अब मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जाके इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे लग जाएगा और ये बन जाएगा सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन फिर उसके पास कुछ बचा नहीं है, नाइट्रेट छोड़ के आया मैग्नीशियम, और हाइड्रोजन और नाइट्रेट पर आपस में मिल जाएंगे तो नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से भी सॉल्ट बना सकते हैं, मतलब व्हेन एसिड एंड सॉल्ट रिएक्ट टुगेदर, तो हमारे पास जैसे सॉल्ट वन था और एसिड वन था, तो जो सॉल्ट बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, सॉल्ट टू हो जाएगा और कोई और एसिड बन जाएगा एसिड टू। जैसे HCl से नाइट्रिक एसिड बन गया और सॉल्ट था मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ये मेथड कब काम आता है? जब हम इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड भी सॉल्युबल सॉल्ट है और नाइट्रिक एसिड भी एसिड है ना, तो एक्वस हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, तो इनको मैं सेपरेट नहीं करवा सकता किसी भी तरह, बेकार है मेरे लिए ये काम करना। मैं अगर कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना चाह रहा हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेड टू क्लोराइड बनाना है, लेड टू क्लोराइड बनाने के लिए मैं एसिड HCl ले सकता हूँ और फिर मैं लेड नाइट्रेट ले सकता हूँ, लेड टू नाइट्रेट PbNO32। तो लेड जो है वो अगेन रिएक्टिविटी ऑर्डर में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो लेड हाइड्रोजन को हटा के क्लोराइड के साथ लग जाएगा, और हाइड्रोजन ने फिर NO3 नाइट्रिक एसिड के साथ लगना होगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो लेड टू क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, नाइट्रिक एसिड एक्वस होगा, तो फिर इसको मैं फिल्ट्रेशन करके सेपरेट आउट करवा सकता हूँ। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में दोनों क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है तो उनको मैं निकाल नहीं सकता, कैसे निकालूंगा, फिल्ट्रेशन तो होगी नहीं। अगर मैं आप कहोगे इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन करवाएं तो हम इवेपोरेशन करवाएंगे तो दोनों के दोनों सॉल्युबल सॉल्ट है, पानी उड़ जाएगा, दोनों के दोनों रह जाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सॉल्ट भी रह जाएगा और नाइट्रिक एसिड भी रह जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन कराओगे तो उस क्रिस्टल्स में मैग्नीशियम क्लोराइड के भी क्रिस्टल्स होंगे और नाइट्रिक एसिड के भी क्रिस्टल्स होंगे, तो सॉल्ट तो नहीं अलग हुआ ना, दोनों के दोनों साथ आ गए। सही है, तो ये हमारे पास तीन तरीके हैं सॉल्ट बनाने के। और जब इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है तो हम फिल्ट्रेशन करते हैं, और जब सॉल्युबल सॉल्ट होता है तो इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से पूछता है। अच्छा, क्वेश्चन वन में कह रहा है सिल्वर क्लोराइड इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड सिल्वर नाइट्रेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। अब सिल्वर क्लोराइड AgCl और सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा AgNO3। सिल्वर का जो आयन होता है ना वो +1 आयन ही बनाता है हमेशा। सिल्वर क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब जब आप सिल्वर नाइट्रेट और एसिड को रिएक्ट कराओगे, देखो सॉल्ट और एसिड है, तो हमारे पास जो नया सॉल्ट वन और एसिड वन है, तो एक और हाइड्रोजन जो है ना मोर रिएक्टिव देन सिल्वर है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर है सिल्वर नीचे, तो होगा क्या, हाइड्रोजन जो है वो सिल्वर की जगह पे आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड बना लेगा, और सिल्वर जो है वो फिर हाइड्रोजन की जगह पे आके AgCl सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। अब हमें पता है कि क्लोराइड के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर सिल्वर क्लोराइड एंड लेड टू क्लोराइड, मतलब AgCl और PbCl2 इनसॉल्युबल होते हैं, और उसने खुद ही भी बताया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, क्वेश्चन में भी बता रहे हैं, मतलब ये बनेगा सॉलिड फॉर्म में। इसी तरह नाइट्रिक एसिड एसिड है, आयोनाइज हुआ हुआ होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, HCl एसिड है, आयोनाइज हुआ हुआ होगा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है, वो बता भी रहा है, और तुम्हें ये भी पता भी है कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है। तो जब
सिल्वर नाइट्रेट और HCl को आपस में मिक्स करोगे तो प्रोडक्ट में नाइट्रिक एसिड और AgCl बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ PPT। कह रहा है कि हमें प्योर ड्राई सैंपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड चाहिए, तो वो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ PPT और उसको फिर हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करके निकाल लेंगे। 3 मार्क्स का ये। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे? फिल्ट्रेशन हमारे पास डिस्कस हुई थी कि हमने इनको मिला दिया है कॉनिकल अपना क्या कहते हैं बीकर में, इन सबको जब मिक्स कर दिया तो सिल्वर क्लोराइड PPT की फॉर्म में होगा। और इस कॉनिकल फ्लास्क पे एक हम फिल्टर फनर रखेंगे और फिल्टर फनर पे फिल्टर पेपर लगाएंगे, और जो बीकर का सारा कंटेंट है ना, ये पूरे जो रिएक्शन हो रहा है इस बीकर में हो रहा है, ये कंटेंट हम जब फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो फिल्टर पेपर पे इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू रह जाएगा। बाकी सारी चीजें फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट। हमें बाकी सारी चीजों में ना अभी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे सिल्वर क्लोराइड चाहिए था जो कि रेजिड्यू में मुझे मिल जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखोगे? देखो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड क्या क्या मिलाया है उसने, सिल्वर नाइट्रेट, ऐड एक्वस, सिल्वर नाइट्रेट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन, ठीक है, जो भी आपको जितना भी गिवन है ना आपने सारा मिला दिया, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन करोगे, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट जो बना है वो इन द फॉर्म ऑफ PPT बना है, तो आप ये लिख भी सकते हो, AgCl सॉल्ट इज फॉर्म्ड इन PPT फिल्टर सॉल्यूशन टू गेट सिल्वर क्लोराइड विच इज AgCl सॉलिड इन रेजिड्यू, ठीक है। अभी जो रेजिड्यू है ज़्यादा गीला गीला होगा, क्योंकि इसमें से वाटर और सिल्वर नाइट्रेट और HCl जो भी है तुम्हारा रिएक्टेंट में से अगर कोई एक बचा रह गया और नाइट्रिक एसिड नीचे गिरा है, ये थोड़ा सा क्या पता है इस पर कोई नाइट्रिक एसिड लगा रह जाए, तो फिर हम इसको वॉश करते हैं। वॉश द रेजिड्यू विद डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे जिसमें कोई और आयन नहीं होगा, सिर्फ H2O होगा। वॉश द रेसिड्यू विद डिस्टिल वाटर, ठीक है। और वॉश करने के बाद इसको हम जो भी हमारा इंसॉल्युबल सॉल्ट है सिल्वर क्लोराइड, उसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई द AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट। अब ड्राई करने के लिए फिल्टर पेपर, नए फ्रेश फिल्टर पेपर पे डाल के भी ड्राई कर सकते हो, और सनलाइट में रख के भी ड्राई कर सकते हो, और आप इसको अवन में भी ड्राई कर सकते हो। कुछ भी लिख दो, ड्राई द सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट इन अवन लिख दो, ठीक है, या इन एयर रख दो, सिर्फ एयर में रख दो तो खुद ही ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर बाद। सही है, समझ आई बात? आगे बढ़े। तमामा, शंदाना, हमना, इब्राहिम, सही है, सारे रिएक्शन याद करने हैं। नहीं, ये रिएक्शन आपको याद नहीं करने, आपने अच्छा, खुद फिर ही वो वाले बनाने फील्ड सीखने सही हैं, है। हाँ ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और HCl तो उसने बताया बना कि मिक्स करे, तो क्या होगा रिएक्शन, हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है तो सिल्वर की जगह पे जाके लग जाएगा, सिल्वर HCl की जगह जगह लग जाएगा। तो याद नहीं करने, याद करोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, हम याद नहीं करेंगे इनको, खुद ही देख के बनाएंगे। अभी आगे और क्वेश्चन करते हैं, समझ तो मुझे आएगा लगा कि जो है क्या वो करना है। क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है क्या मैं। अच्छा नहीं, दिए हुए ना, ये लिखा हुआ तो है, सिल्वर नाइट्रेट ये और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों आपस में मिक्स करना है। अच्छा, फिर कह रहा है राइट द आयनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल फॉर दिस रिएक्शन। आयनिक इक्वेशन कैसे सीखी हमने बनाना, देखो इसमें जो रिएक्शन हुआ है वो हुआ है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो कि एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तो वो तो एक्वस होगा। सॉल्ट जो बना है सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, तो सॉलिड होगा इसका स्टेट सिंबल। और साथ में
नाइट्रिक एसिड एसिड है तो उसका स्टेट सिंबल एक्वस होता है क्योंकि आयनाइज हो जाता है पानी में। ठीक है, हमें इसकी आयनिक इक्वेशन बनानी है। तो आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए पहले जो इक्वेशन हमने बनाई है उसको बैलेंस करना जरूरी है। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब पानी के अंदर जब ये होंगे ना तो सिल्वर नाइट्रेट जो होगा वो आयनाइज हुआ हुआ होगा। सिल्वर आयन अलग हुए होंगे और नाइट्रेट आयन अलग हुए हुए होंगे। NO3-1 सिल्वर +1। इसी तरह HCl जो है इसमें H पॉजिटिव आयन अलग होगा और Cl नेगेटिव आयन अलग होगा। इसी तरह जो सिल्वर क्लोराइड है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में। ये एक्वस नहीं है, ये आयोनाइज नहीं होगा, ये सिर्फ AgCl रहेगा सॉलिड फॉर्म में। और जो नाइट्रिक एसिड है अगेन एसिड है, आयोनाइज हुआ हुआ होता है, H पॉजिटिव आयन अलग होगा और NO3 नेगेटिव आयन अलग होगा नाइट्रेट। फिर आयनिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट पे जो आयन सेम सेम है ना, जैसे नाइट्रेट आयन लेफ्ट पे भी है और राइट पर भी है, उसको सर्किल कर दो। इसी तरह H पॉजिटिव आयन लेफ्ट पर भी है और राइट पर भी है, उसको सर्किल कर दो। ये जिसको हमने सर्किल करे ना इसको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन्स। तो स्पेक्टेटर आयन्स को हम आयनिक इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। इसके अलावा जो सर्किल के अलावा जो रह गए ना, जो सर्किल नहीं हुए, जैसे Ag पॉजिटिव आयन। अब जो भी कोई आयन होता है ना उसका स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होता है, Aq। और क्या रह गया, क्लोराइड आयन लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और इक्वेशन के राइट साइड पे क्या है, सिर्फ AgCl सॉलिड फॉर्म में। तो ये इस रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन है। आगे बात समझ। चलें आगे। अच्छा, तो आयनिक इक्वेशन हमारी क्या बनी है, सिल्वर आयन क्लोराइड आयन एंड इट इज फॉर्म सिल्वर क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म। फिर कह रहा है सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू मेक सिल्वर एंड क्लोरीन। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट रिक्वायर्स लाइट। तो ये हम एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे, इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसकी डिकम्पोजिशन की इक्वेजन हम पढ़ेंगे तो, लेकिन ये अभी भी आप बना सकते हो। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, AgCl डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, सिल्वर। सिल्वर जो होगा वो Ag होता है और क्लोरीन जो है वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ गैस बनती है, Cl2 होता है ना उसका फॉर्मूला। बस आपने इसको बैलेंस करना है, AgCl के साथ 2 लगा दोगे और Ag के साथ 2 लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगी। आगे बढ़े, चलो। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है बेरियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट एंड बेरियम सल्फेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो बेरियम क्लोराइड जो होता है वो पानी में एक्वस हो जाता है, बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड ही रहता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। बेरियम सल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एक्वस बेरियम क्लोराइड। देखो ये रिएक्ट करवा रहा है, दिया हुआ है रिएक्शन के लिए, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसकी इक्वेशन अगर देखें तो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 और सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। अब जाहिर है इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगी तो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ लग जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 और हाइड्रोजन Cl के साथ HCl। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करोगे तो टू एच बनानी नहीं है इक्वेशन में, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि रिएक्शन क्या हुआ है, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हमें जो सॉल्ट बनाने के लिए कह रहा है वो बेरियम सल्फेट बनाने के लिए कह रहा है, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो उसने बता भी दिया है, हमें याद भी होता है, मतलब ये मैं निकालूंगा तो फिल्ट्रेशन करके ही निकालूंगा। कह रहा है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट फ्रॉम एक्वस बेरियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो वही स्टेप्स हैं इसके जो अभी ऊपर वाले रिएक्शन में लिखे हैं, एड बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम सल्फेट सॉल्ट
इस फॉर्म, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हो, फॉर्मूले का ना नाम भी लिख सकते हो, इज फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ पीपीटी सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड एंड बेरियम सल्फेट इज कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू, वॉश द रेजिड्यू विथ डिस्टिल वॉटर एंड ड्राई द बेरियम सल्फेट सॉल्ट इन अवन. सही है? आगे बढ़े. क्वेश्चन थ्री में कह रहा है एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय इनसॉल्युबल बेसिस. वी नो व्हाट बेसिस आर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस. कौन सी बेसिस सॉल्युबल होती हैं, कौन सी इनसॉल्युबल होती हैं? देखो, जो हमारे पास ग्रुप वन की मेटल ऑक्साइड्स होती है ना, दोज बेसिस आर ऑल सॉल्युबल. ग्रुप वन के जितने भी हमारे पास सॉल्ट या कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड इज अ सॉल्युबल बेस, तो वो पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है एल्केली. पोटेशियम ऑक्साइड सॉल्युबल बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है. अच्छा, ग्रुप टू की जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, दे आर व्हाट यू से, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल, जैसे, लेकिन उनको हम इनसॉल्युबल ही मानते हैं. जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, बट ग्रुप वन के अलावा जितनी भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड होती हैं उनको हम जनरली इनसॉल्युबल कंसिडर कर रहे होते हैं. जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई इनसॉल्युबल. तो कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट That can be prepared from an insoluble base. अब अगर मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो मैं क्या रिएक्शन ले सकता हूँ? कह रहा है नेम द एसिड एंड द इनसॉल्युबल बेस. एसिड और बेस का रिएक्शन है. तो जब सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट में जो एनाइन है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, तो एनाइन हमेशा आता है एसिड से. और दूसरा उसने क्या यूज किया? मेटल नहीं यूज किया, मेटल ऑक्साइड यूज किया, मतलब बेस यूज किया. तो बेस जो आएगी, जो कैटाइन आ रहा है, पॉजिटिव आयन, वो बेस से आना है. तो बेस क्या होती है? जिसमें मेटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है. तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा. मतलब बेस जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, MgO. और एसिड क्या होगा? ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें Cl होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, वो सिर्फ ये कह रहा था नेम द एसिड एंड इनसॉल्युबल बेस. तो मुझे नाम लिखना है इसमें ना, सॉल्ट और वाटर बनेगा. मैं तुम्हें रिफ्रेश करवा रहा हूँ मेमोरी, लेकिन इसमें ना हमें लिखना क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एसिड वुड बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो ग्रीन में लिखा है ना, ये हमारा आंसर है. इससे जो सॉल्ट बन रहा है वो हमारे पास क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट है. देखो, अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ ना, मेरे पास एक बीकर है, इसमें मेरे पास HCl है, इसमें मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मैं सिर्फ पानी में डालूंगा ना, वाटर में, सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मैं वाटर में डालूंगा, तो पता ही क्या होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जाके नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो रहा पानी में. लेकिन अगर ये मैं एसिड में डालूंगा ना, तो एसिड में ये जाके नीचे नहीं बैठेगा, बल्कि गायब हो जाएगा. वो गायब क्यों हो रहा है? वो रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर. तो इसमें वो HCl के साथ रिएक्ट होगा टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट एक्वस फॉर्म में, और साथ में पानी तो हो गई. अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कब तक तुम डालोगे? ये गायब हो जाएगा, नीचे जाके नहीं जमा होगा. कब तक? जब तक के HCl है. आप थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो. एक वक्त आएगा सारा का सारा HCl जो है वो रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा. नाउ फर्दर, इफ यू गोना ऐड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इट डज नॉट हैव एनी एसिड लेफ्ट टू रिएक्ट विद. नाउ देयर इज ओनली वाटर, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और नाइदर इट रिएक्ट्स विद वाटर.
तो व्हाट विल हैपन, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड विल गो एंड सेटल डाउन एट द बॉटम. जब मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे ऐसे आके गिरना शुरू हो जाएगा तो यू विल रियलाइज कि सारा का सारा एसिड हमने रिएक्ट करवा के खत्म करवा दिया. नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इन दिस सॉल्यूशन वुड बी योर सॉल्युबल सॉल्ट व्हिच इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर एंड द एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म दैट यू हैव एडेड. ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस में जो बचा रह गया है वो नीचे जाके बैठा हुआ होगा और सॉल्ट होगा मैग्नीशियम क्लोराइड और जाहिर है पानी तो है, सब कुछ पानी में ही हो रहा है. अब आपको अगर इसमें से मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट निकालना है तो पहले आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन करोगे ताकि उसमें से जो नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड बैठा हुआ है ना वो अलग कर लो. फिल्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक यहाँ पे फिल्टर पेपर आया, आपने ये सॉल्यूशन इसमें डाला, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो यहाँ पे रुक जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू और जो फिल्टर पेपर से पास होके नीचे फिल्ट्रेट आ रहा है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट एक्वस फॉर्म में और पानी. अब अगर हमें मैग्नीशियम क्लोराइड निकालना है ना, क्रिस्टल्स बनाना है, तो हम इंटरेस्टेड है मैग्नीशियम क्लोराइड में, तो रेजिड्यू तो मैं फेंक दूंगा और ये जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड है इसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए मैं इसको ट्रांसफर करूंगा एक इवेपोरेटिंग डिश पे. इवेपोरेटिंग डिश क्या देखी हमने, जिसमें हम हीट करके पानी को इवेपोरेट करवा देते हैं. जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो पानी इसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. कब तक हीट करेंगे, अंटिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अचीव, जिसमें हमारे पास MgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए. ठीक है, उसके बाद ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसको मैं, अब देखो ये सॉल्युबल सॉल्ट है, अब सॉल्युबल सॉल्ट को अगर आप डिस्टिल वाटर से, जैसे हम इनसॉल्युबल सॉल्ट को डिस्टिल वाटर से वॉश कर रहे थे, इसको अगर मैं एक फिल्टर पेपर पर रख के डिस्टिल वाटर से वॉश करूंगा तो ये तो दोबारा डिजॉल्व हो जाता है. तो हम इसमें डिस्टिल वाटर वॉश तो करेंगे कि तुम वॉश या तो लिखो ही ना कि वॉश करना है. ठीक है, तो जरूरी नहीं, हमें 4 मार्क्स का ये सवाल आता है तो 4 मार्क्स में बाकी सारे पॉइंट जो है वो हो जाते हैं. अगर आप वॉश लिख रहे हो उसको तो आप उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ वॉश करवा देना, किसी इस पर लिख देना बस वॉश विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो एल्केन एल्कीन वगैरह होता है ना, तो हमारे पास पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, पेट्रोल से वॉश करा दिया, पेट्रोल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन में उसने ना डिस्टिल वाटर के साथ भी वॉश का लिखा हुआ है, लेकिन डिस्टिल वाटर लिखा हुआ तो है उसने, लेकिन डिस्टिल वाटर जो है वो तो सॉल्युबल सॉल्ट को जब डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे तो वो तो दोबारा डिजोल्व हो जाएगा. हाँ, अब अगर जेट मार रहे हो पानी के तो कुछ डिजोल्व होगा, कुछ नहीं होगा, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू राइट कि हमें ये वॉश करना है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख देना बस, डिस्टिल वाटर ना लिखो तो अच्छा. अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, अगेन इसको ड्राई करा लेंगे, ठीक है, अवन में, एंड विल लीव इट टू कूल, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स बन जाएंगे इसके. अच्छा, अभी इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ तक समझ आई है बात. अभी समझ आई है यहाँ तक, चलें आगे. इसका ना हमें आंसर लिखना है. क्या स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही. अब आ गई.
डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम द एसिड एंड बेस. एसिड हमने लिया है HCl और बेस हमने लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ऐड एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड. कब तक हम कैसे इंश्योर करेंगे कि एक्सेस है? अंटिल मैग्नीशियम ऑक्साइड. अच्छा ऐड मैग्नीशियम ऑक्साइड टू एसिड टू HCl. ये भी तो देखो टू HCl अंटिल नो मोर मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स. दिस मीन्स के HCl इज फिनिश्ड. फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड इन रेजिड्यू. डबल के इतना ही लिख दो, फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड. फिर हीट द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट जो नीचे निकला था ना जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है, हीट द फिल्ट्रेट इन, हीट द फिल्ट्रेट इन इवेपोरेटिंग डिश. Until saturated solution is achieved. ठीक है, अच्छा आगे क्या करोगे जब आपने इवेपोरेटिंग डिश में इसको हीट करा अंटिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अचीव्ड. उसके बाद इवेपोरेशन करने के बाद वी विल लीव टू कूल डाउन ताकि वो क्रिस्टल्स बनाए. ठीक है, लीव इट टू कूल फॉर क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे उसके, इवेपोरेशन हो गई और क्रिस्टलाइजेशन हो गई. ठीक है, क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो नाउ यू कैन वॉश इट, लेकिन डिस्टिल वाटर से नहीं लिखना, वॉश द क्रिस्टल्स विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख दो. अगर सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो डिस्टिल वाटर लिख देना, इनसॉल्युबल सॉल्ट हो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. देखो याद कर लो, अगर कोई सॉल्युबल सॉल्ट तुमने बनाया है उसके क्रिस्टल्स बनाए तो उसको वॉश कर लो डिस्टिल वाटर से. ठीक है, अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाया है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाया है ना, उल्टा बोल दिया, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाया है तो उसको वॉश करना है डिस्टिल वाटर से, और अगर सॉल्युबल सॉल्ट बनाया है तो उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश कर देना. इसको वॉश करना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से. Wash the crystal with organic solvent, ठीक है, और उसके बाद dry कर लो and dry it in filter paper पे डाल के भी dry कर सकते हैं, air dry भी होता है, sunlight में भी रख सकते हैं और oven में भी कर सकते हो, dry it in oven. ठीक है, lab में छोटा सा oven होता है उसमें dry हो जाता है. देखो चार मार्क्स का सवाल है और इसमें हमने चार से ज्यादा ही पॉइंट्स लिखे हैं. जैसे हमने ये लिखा ना एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस बेस डाले, तो इस पे हमें एक मार्क मिल जाएगा.
ठीक है, अनटिल नो मोर मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व, इट मींस कि हमने एक्सेस डाला है, उसके हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ डू वी इंश्योर के वाकई में एक्सेस डाला है, देन फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस पर हमें एक मार्क मिल जाएगा. फिर हमने क्या किया, हीट द फिल्ट्रेट इन इवेपोरेटिंग डिश अनटिल सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अचीव, तो हमने हीट किया है, इवेपोरेशन की है उसकी, ठीक है, तो इस पे हमें ना और क्रिस्टलाइजेशन की है, तो इस पूरे पे हमें एक मार्क मिल जाएगा, और इस नहीं बल्कि इवेपोरेशन पे अलग एक मार्क मिल जाएगा, एक अलग प्रोसेस है, और क्रिस्टलाइजेशन पे एक अलग मिल जाएगा, चार तो यही हो जाएंगे. और अगर तुमने ये भी लिख दिया है वॉश करना है तो इस पे भी एक मार्क मिल जाएगा. आपने देखो मार्क्स इनके नहीं लिखना है, आपने पूरा प्रोसेस लिख देना है, चाहे वो 3 मार्क्स का हो चाहे वो 4 मार्क्स का, अपनी आदत ये डालोगे तुम पूरा लिख दो. अगर तुमने कुछ गलत लिख दिया है तो अच्छा है, ज्यादा पॉइंट लिखे हुए हैं तो जहाँ पे गलत लिखा है उसके मार्क्स के बजाय तुम्हें दूसरा पॉइंट का मार्क्स मिल जाएगा. तो ये एक बार याद कर लो, इनसॉल्युबल सॉल्ट का 3 मार्क्स का आ रहा होता है, सॉल्युबल सॉल्ट का 4 मार्क्स का आ रहा होता है, क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट में प्रोसेसेस इवेपोरेशन के साथ एक क्रिस्टलाइजेशन भी ऐड हो जाता है. सही है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो फिल्ट्रेशन होता है. क्लियर है यहाँ तक बात? इसके अब ये फाइल मैं तुम लोगों को भेज रहा हूँ, इसके जितने भी क्वेश्चंस है ना इसमें सारे एक बार कर लेना, अपने आंसर्स इसके मार्किंग की से चेक कर लेना कि सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट का क्या है. ये पेपर 2 में भी आता है क्वेश्चन, पेपर 4 में भी आता है, ATP में भी आता है, ये हम अभी पेपर 2 कर रहे थे इसके.